मुंह में पटाखा फटने से श्योपुर शहर के कुम्हार मोहल्ला निवासी युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रविवार की सुबह 9 बजे मुंह में पटाखा फटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवा कर मर्ग कायम करके जाँच शुरू कर दी है। किस तरह से क्या घटना हुई है और क्या नाम था उसका, क्या बात है? सर, उसका नाम ब्रजेश था, उसके पिताजी का नाम केमराज प्रजापति है, 17 बजे का है। और सुबह 8:30 बजे बाथरूम में गया, वो बाथरूम में जाते ही 10-15 मिनट बाद ही एकदम से धमाका सा हुआ, जो आसपास के जो रहते हैं उनको भी मालूम पड़ गई कि धमाका हुआ। जो फिर देखा तो उसमें मतलब उसका जबड़ा फटा हुआ मिला मुझे। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में लाए तो हॉस्पिटल में उसको मृत्यु घोषित कर दिया। क्या किया उसने, पटाखा फोड़ा है, क्या किया? हाँ, वो पटाखे की धमाके की आवाज आई है, पटाखे से वो मुंह में रख लिया या मतलब जैसे कुछ क्या हुआ, लेकिन वो एकदम से मुंह में जबाड़ा फट गया उसको, एकदम से धमाके की आवाज आई पटाखे की, जैसे टूटली बम की अपन चलाते हैं ऐसे। हाँ, ये लड़का जो अभी आया है यहाँ पे, जो मृत अवस्था में आया है, डॉक्टर साहब ने देख मृत्यु घोषित किया है। इसका नाम है गोलू और ब्रजेश प्रजापति, खेमराज का लड़का है ये। और बाथरूम में बताते हैं कि मुंह में पटाखे वगैरह लग के चला दिया था, जिससे कि मुंह में पटाखे फट गया है। और ले इलाज के दौरान यहाँ जब ले आए तो मृत्यु घोषित कर दिया डॉक्टर। कैसी आ रही है? हाँ, जाँच जारी है, जाँच हो रही है उसकी।